हाय एवरीवन दिस दिस इजिका आज का टॉपिक डिस्कशन का हमारा कैट पे है कि इंडिया की एल्यूसिफ कैट डेंजर में है जब भी हम बोलते हैं कोई एनिमल डेंजर में है, तो डेफिनेटली हम उसकी पॉपुलेशन की बात करते हैं कि उसकी पॉपुलेशन डिक्लाइन हो रही है जैसा क्यों है ये हम डिटेल में डिस्कस करेंगे आपकी कोई भी क्वेरी हो आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं सोशल मीडिया पे बिकॉज आई फील टिकन मेगा फेसबुक पे इंस्टाग्राम पे टेलीग्राम पे पीडीएफ जो है वो आपको सिर्फ और सिर्फ मेरे टेलीग्राम चैनल पर ही मिलेगा देखिए काफी समय से जो पॉपुलेशन है ये हम फिशिंग कैट की बात कर रहे हैं ओके okay? कौन सी कैट्स की डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स होती है मेरे टॉकिंग अबाउट फिशिंग कैट अब वेटलैंड्स जैसे जैसे खतरे में जा रहे हैं तो फिशिंग कैट की पॉपुलेशन पर भी फर्क पड़ रहा है इसको एक थ्रेट है यहाँ पे तो याद रखिए इट इज डायरेक्टली इसकी थ्रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू योर वेटलैंड एरिया कि वेटलैंड वेटलैंड कौन से होते हैं आपका वो वाला लैंड जो कि पानी में वर्स्ट रहता है पूरे साल या सीजनली कैसे भी जहाँ पे ग्राउंड में पानी रहता है काफी तो ये वेटलैंड एरिया जैसे जैसे हैबिटेट जा रहा है ख़त्म हो रहा है डिस्ट्रक्शन हो रही है तो फिशिंग कैट की पॉपुलेशन पे फ़र्क पड़ रहा है अब ये कैट बहुत ज़्यादा वल्नरेबल है अगर इसका हैबिटेट नहीं रहेगा किसी भी एनिमल का हैबिटेट क्या होता है आप मान लीजिए सिंपल लैंग्वेज में उसका घर तो दो टर्म्स रहते हैं आपकी एक रहता है आपका हैबिटेट एक होता है नीश ठीक है हैबिटेट होता है किसी भी एनिमल का घर अगर आप समझ लें और नीश क्या होता है किसी भी एनिमल का प्रोफेशनली प्रोफेशन कि वो काम क्या करता है कहाँ फीड करता है तो ओवरऑल हैबिटेट ही हम बात करते हैं कि अगर किसी भी एनिमल का हैबिटेट खतरे में है तो उसकी पॉपुलेशन वॉलरेबल है और फिशिंग कैट की पॉपुलेशन ज्यादा वर्लरेबल है अगर आप बाकी स्मॉल या मीडियम साइज कैट्स की बात करेंगे अक्टूबर 2020 की बात करें तो फिशिंग कैट वाज नेम्ब एम्बेसडर ऑफ चिल्का लेक तो चिल्का लेक कहाँ है जरा मुझे बताइए कमेंट सेक्शन में 2020 में फिशिंग कैट को एम्बेसडर घोषित किया गया था चिल्का लेक की uh, और फर्स्ट एवर सर्वे ऑफ एनिमल कमेंस था द लेक ये पहला इस तरह का एनिमल सर्वे लेक पे हुआ था अब फिशिंग कैट उड़ीसा की यहाँ पे हम बात कर रहे हैं उड़ीसा में इसको क्या क्या ख़तरा है कि मार्शलैंड जो हैं वहाँ के वो ख़त्म हो रहे हैं श्रिंक हो रहे हैं कम हो रहे हैं हैबिटेट डिस्ट्रॉय हो रहा है एक्सपर्ट्स बोल रहे हैं कि जो रीसेंट जो भी कंजर्वेशन एफ़र्ट्स हैं जो स्टेट ने लगाए हैं वो उतने ज़्यादा काम नहीं कर रहे इस कैट को बचाने के लिए इस साल के स्टार्टिंग में अगर आप मार्च फर्स्ट की बात करेंगे पहला जो सर्वे है एल्यूसिव फिशिंग कैट पे वो शुरू किया गया तो यहाँ पे आएगा आपका आंसर चिलिका लेक इन उड़ीसा वहाँ पे ये सर्वे भी किया गया लोकल जो मछुआरे हैं फिशरमैन हैं या वाइल्ड लाइफ एक्टिविस्ट हैं उन्होंने सी को ज्वाइन किया सी क्या है चिलिका डेवलपमेंट अथॉरिटी एंड फिशिंग कैट कंजर्वेशन अलायंस टू तो जीरो इन ऑन कैट्स पॉपुलेशन इन एंड अराउंड एशियाज बिगेस्ट ड्रकिश वाटर लेगून तो यहाँ पे इन्होंने इनको ज्वाइन किया तो ओवरऑल यहाँ पे सर्वेज हो गए या कंजर्वेशन एफर्ट्स हो गए किसके लिए ट्राई किए जा रहे हैं फिशिंग कैट के लिए यहाँ पे अराउंड हंड्रेड कैमरा ट्रैप्स लगाए गए इंस्टॉल किए गए कि हम फिशिंग कैट्स को देख पाए देखिए सर्वे करना भी एनिमल का इजी तो नहीं है ना आप किसी भी एनिमल का सर्वे करें टाइगर्स का कर रहे हैं बर्ड्स का कर रहे हैं यू डोंट नो आप एनिमल को डिफ्रेंशिएट कैसे करेंगे ऑलमोस्ट तो सब एनिमल्स एक जैसे लगते हैं आप कितनों को कॉलर पहनाएंगे तो आपको पता चलेगा या मार्क करेंगे कि ये हो गया हो सकता है आप रिपीट कर रहे हो अब जैसे कैट्स जैसे एनिमल हैं जिनका पॉपुलेशन भी बहुत है तो हो सकता है आप रिपीटेडली सेम ही कैट को तीन बार काउंट कर लिया या किसी को स्किप कर दिया तो इस वजह से यहाँ पर कैमरा ट्रैप्स जो भी हैं ये सब फिशरमैन वाइल्ड लाइफ एक्टिविस्ट जो हैं इस प्रोसेस के लिए ऑर्गेनाइजेशंस के साथ जुड़ गए और हंड्रेड कैमरा ट्रैप्स जो हैं वो रिपोर्ट किए गए जिनको इंस्टॉल किया गया कि जहाँ पे हम फिशिंग कैट्स को काउंट करेंगे इन एरियाज में जहाँ पे फिशिंग कैट्स पहले भी पाई गई हैं फिशिंग कैट साइंटिफिक नेम है विवेरिनस ठीक है साइंटिफिक नेम्स इसी तरह से डिफिकल्ट होते हैं वाइल्ड कैट स्पीशीज है और मेनली आपको वेटलैंड्स और जो मैंग्रोव इकोसिस्टम्स हैं आपके वहाँ पे ये पाई जाती है साउथ एंड साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज़ में यूजली पाई जाती है जो नॉर्मल घर में आपकी बिल्ली रहती है या कैट रहती है हाउस कैट जो आपकी होती है उसके साइज़ से बड़ी होती है दो गुना आप मान लीजिए बड़ी होती है नॉक्टर्नल बाय नेचर नॉक्टर्नल जो एनिमल्स रात को एक्टिव होते हैं और जो दिन को एक्टिव होते हैं उनको हम डायोर्नल बोलते हैं तो दो टर्म्स हैं नॉक्टर्नल वो एनिमल्स जो रात को एक्टिव हैं डायोर्नल जो दिन को एक्टिव रहते हैं तो ट्वाइस द साइज़ ये है डबल है साइज में आपके नॉर्मल जो घर में कैट पाई जाती है नॉक्टर्नल है रात को एक्टिव रहती है क्या खाती है ये फिश पे फीड करती है फ्रॉग्स पे फीड करती है क्रिस्टाशियन्स छोटे छोटे आपकी क्वाटिक एनिमल्स हैं छोटी फिशेस हैं उनको खाती है स्नैक्स खाती है बर्ड्स खाती है और अगर लार्जर एनिमल्स हैं उनके कैर यानी उनके डेड बॉडीज़ पे भी ये फ़ीड करती है तो ये इंफॉर्मेशन आ गई आपके इस फिशिंग कैट के बारे में एक और इसकी खासियत है ये एक्सलेंट स्विमर है बहुत अच्छे से तैरना जानती है ये कैट और इसका जो लाइफ का मोस्टली टाइम है वो कहाँ गुजरता है जहाँ पे बहुत ज़्यादा घनी वेजिटेशन रहती है लेकिन वाटर बॉडीज़ के पास पूरे साल में इसका ब्रीडिंग पीरियड रहता है तो पर्टिकुलर कोई सीज़न नहीं होता बट पीक ब्रीडिंग सीजन टिपिकली इसका मार्च से मई के बीच में होता है नॉर्थ और नॉर्थ ईस्टर्न जो सेक्शन हैं से चिलीका लेक उसको छोड़ के ये स्पीशीज अस्तरंगा कोनार्क भिटारकर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी राजनगर एरियाज ऑफ उड़ीसा यहाँ पे भी पाई जाती है तो करंट अफेयर आप समझ गए फिशिंग कैट के बारे में क्या है कि हम बोल रहे हैं इसका पॉपुलेशन कम हो रहा है किसी भी एनिमल का पॉपुलेशन कम होगा तो उसका क्या मतलब है उसका हैबिटेट डिस्ट्रॉय हो रहा है तो यहाँ पे भी यही रीजन निकल के आ रहा है कि वेटलैंड्स को जैसे जैसे नुकसान पहुंच रहा है वैसे ही

लेकिन कई बार पोचिंग और रिटालीलेट्री किलिंग होती है कि इसने किसी को मार दिया फिर उस जानवर ने या इंसान ने इस पर अटैक किया तो इस तरह के थ्रेट्स और एनिमल्स को थ्रेट्स जो हैं वो रहते हैं एक और रीजन भी है एक देखिए ये रीजंस किसी भी के एनिमल के लिए सही होंगे कि एनिमल का पॉपुलेशन कब कम होता है या तो जहाँ वो उसका रहता है हैबिटेट डिस्ट्रॉय हो रहा है पोचिंग और जो रिटेलिएटरी किलिंग है कंपटीशन है ये एक हमेशा एक रीज़न रहता है एक और बहुत इंपॉर्टेंट रीज़न है कि कोई भी एनिमल जिस चीज़ पे फीड करता है जो उसका शिकार है जो उसका प्रे है जो उसका फूड है अगर कई बार वो भी ख़त्म होने लगे तो पॉपुलेशन कम होती है जिस तरह से मैंने आपको बताया है, कैट क्या खाती है फ़िश पर भी फ़ीड करती है तो अगर कोई पर्टिकुलर फ़िश कम होने लगेगी उसका पॉपुलेशन कम होने लगेगा तो अल्टीमेटली उसके प्रिडेटर पे भी असर पड़ेगा तो ये भी है कि फ़िश कम हो रही है क्योंकि वेटलैंड डिस्ट्रॉय हो रहे हैं फिश कहाँ रहेगी पानी के आसपास वाले एरिया कम है तो इसका जो मेन शिकार है अगर उसकी पॉपुलेशन भी अनस्टेबल होगी तो प्रिडेटर की पॉपुलेशन भी अनस्टेबल हो जाएगी इसलिए ऑलरेडी आपकी यहाँ पे फिश का डिप्लेशन का क्या रीज़न दिया है अनसस्टेनेबल फिशिंग प्रैक्टिस कि इतना ज़्यादा फिशरमैन फिश कैच करते हैं कि उनकी पॉपुलेशन रिन्यू नहीं हो पाती फिश की पॉपुलेशन गिर रही है तो कैट की पॉपुलेशन भी गिर रही है उड़ीसा में भिटार कनिका वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इसको हमने पहले भी बहुत बार डिस्कस किया क्रोकोडाइल्स के डिस्कशन में और भी काफी अलग अलग एनिमल्स के डिस्कशन में दो तीन लेक्चर्स मुझे याद है भिटार कनिका पे मैंने बनाए हैं अब उड़ीसा में भिटारकनी का वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है ये प्रोटेक्टेड हैबिटेट है फिशिंग कैट्स के लिए क्योंकि ये कैट एलूसिव है और इट इज़ टफ़र टू ड्रॉ अटेंशन टू इट्स कंजर्वेशन तो इतना ज़्यादा कई बार कंजर्वेशनिस्ट या इन्वायरमेंटलिस्ट इसके कंजर्वेशन पर ध्यान नहीं देते हैं यूजली हम बहुत बड़े बड़े एनिमल्स की बात करते हैं टाइगर की एलिफेंट की लायन की तो इतना इतना ध्यान इस पर नहीं जाता है लेकिन स्टिल हमको समझना होगा कि कैट भी इसकी पॉपुलेशन हाईली वलनरेबल है बाकी एरियाज़ में भी अलग अलग रीजंस की वजह से जो हमने पहले हैबिटेट वगैरह पढ़े उसके सिवाय एग्रीकल्चर इंटेंसिव फिशिंग क्योंकि अनसस्टेनेबल प्रैक्टिसेस हैं फिशेस की एक्वा कल्चर प्रैक्टिस सही नहीं है तो उस वजह से इस कैट को भी असर पड़ रहा है ऑल्दो चिलीका लेक एंड इट्स एडजॉइनिंग ज्वाइनिंग एरियाज आर अमंग इंपॉर्टेंट फिशिंग कैट अब जो मैंने आपको बताया चिलीका लेक हो गया अबार का निका हो गया इंपॉर्टेंट एरियाज़ हैं ये जहाँ पे इसका हैबिटेट है इंडिया में लेकिन जो श्रिम फार्मिंग है टूरिज्म है ये भी कुछ इश्यूज हैं और आपको यहाँ पे देखिए बार बार अलग अलग रीजन मिल रहे हैं टूरिज्म हो गया इनका भी नेगेटिव इफेक्ट पड़ता है लोकल फिशिंग कैट पॉपुलेशन पे उड़ीसा गवर्नमेंट अगर आप देखेंगे उन्होंने दो साल का कंजर्वेशन प्रोजेक्ट शुरू किया है फिशिंग कैट्स के लिए बिटार का नेशनल पार्क पे और सेवरल अदर रेयर स्पीशीज हैं जिनके बारे में बहुत ज़्यादा नहीं जाना जाता फिशिंग कैट्स के बारे में भी आपने कभी इतना ज़्यादा एक्स्ट्रा तो नहीं पढ़ा होगा कभी अभी रिसेंटली जो फिशिंग कैट कंजर्वेशन अलायंस है एक उन्होंने एक स्टडी भी शुरू किया है बायोजोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ने के लिए फिशिंग कैट के लिए अनप्रोटेक्टेड एरियाज़ में और ह्यूमन डोमिनेटेड लैंडस्केप्स पे कहाँ पे आंध्र प्रदेश में नॉर्थ ईस्टर्न जो घाट से आंध्र प्रदेश के तो अब अटेंशन फिशिंग कैट की तरफ जा रही है 2012 में वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट ने ऑफिशियली फिशिंग कैट को स्टेट एनिमल डिक्लेयर किया था और कैलकाटा जो ने दो बिग इन्क्लोजर्स डेडिकेट किए थे फिशिंग कैट के लिए उसके बाद उड़ीसा में बहुत सारे एन और वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन सोसाइटीज़ भी हैं जो फिशिंग कैट रिसर्च वर्क और कंजर्वेशन में इन्वॉल्व हैं फिशिंग कैट प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया था 2010 में ताकि वेस्ट बंगाल में भी इस कैट के बारे में अवेयरनेस क्योंकि मैंने कहा ना हमारा ज्यादा ध्यान लाइन टाइगर एलिफेंट बड़े बड़े एनिमल्स की तरफ जाता है फिशिंग की कैट की तरफ नहीं जाता है, इसलिए 2010 में एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया कि लोगों को अवेयर किया जाए इस कैट के बारे में तो यही था करंट अफेयर हमने देखा कि किस तरह से का पॉपुलेशन कम हो रहा है आप बुलेट पॉइंट्स में लिख लीजिए क्या रीजनस हैं क्योंकि मुझे लगता है हमने बहुत सारे रीजन हैबिटेट डिस्ट्रक्शन से लेकर पोचिंग एग्रीकल्चर इंटेंसिव फार्मिंग फिशिंग जो है वो डिस्कस किया तो आप बुलेट पॉइंट्स में इसको लिख लेंगे तो आपको हमेशा याद रहेगा और आप देखेंगे हमेशा डिफरेंट एनिमल्स के पॉपुलेशन कम होने के रीजंस ऑलमोस्ट सेम रहते हैं तो हमेशा इस तरह से नोट्स बनाइए क्वेश्चन है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट फिशिंग कैट द साइंटिफिक नेम ऑफ फिशिंग कैट प्रायोनालि सॉरी इट इज़ लिस्टेड एट एंड डेंजर्ड ऑन द आयू सी रेड लिस्ट आज मेरी भी टंग स्लिप हो रही है यूजली होती नहीं है साइंटिफिक नेम्स में बट एनी वे बताइए आप मुझे कॉमेंट सेक्शन में क्या है uh, uh, इसका सही आंसर बाकी आप टेलीग्राम पे पार्टिसिपेट uh, कीजिए पोल पे वहाँ पे सही आंसर आपको मालूम चल जाएगा बाकी आप हमारी वेबसाइट विजिट कर सकते हैं एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं कोर्सेज की जानकारी के लिए थैंक यू सो मच